हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों में डायपर रैसेस कैसे ठीक किया जाए। बहुत सारे बच्चों को डायपर के कारण उनकी बटक्स पर, उनके स्किन पर रैसेस हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, लाल लाल से दाने हो जाते हैं, उसमें खुजली चलती है और बच्चों को जलन होती है। उससे बच्चों को बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है और बच्चे परेशान होते रहते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, रोते हैं। तो उस डायपर रैश को हम कैसे ठीक करें, वो मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, डायपर रैशेस होते क्यों हैं? यदि मान लीजिए आपने बच्चों को डायपर पहना रखा है, बहुत लंबे समय तक आप बच्चों को डायपर पहनाते हैं, और बच्चा जब सूसू या पोटी कर देता है, वो सूसू या पोटी जब उस बच्चे के स्किन के कॉन्टेक्ट में आ जाती है, मान लीजिए डायपर अच्छे से सोख नहीं पाया या डायपर अच्छे से लगा हुआ नहीं था, वही सूसू या पोटी बच्चे की स्किन के कांटेक्ट में है, तो वहां पर स्किन में नमी होने के कारण स्किन में दाने हो जाते हैं, उसे ही हम डायपर रैशेस कहते हैं। दूसरा कारण दोस्तों यह हो सकता है कि यदि जो डायपर आप यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके कारण भी डायपर रैशेस हो सकते हैं। या डायपर आप बहुत लंबे समय तक पहना के रख रहे हैं, आप चेंज बहुत लंबे समय की बात कर रहे हैं, मान लीजिए बच्चा एक डायपर पहना हुआ है, बहुत देर तक पहना हुआ है, डायपर पूरा फुल हो गया, उसमें से लीकेज होने लगा, वो स्किन के कांटेक्ट में आ गया। या फिर दोस्तों, यदि आप बच्चों में लंगोट यूज कर रहे हैं और वो लंगोट आप बदल ही नहीं रहे हैं, काफी लंबा समय हो गया, बच्चा गीला है, लंगोट बच्चे गीले में ही डला हुआ है, तो इन सब कारणों से या बारिश के मौसम में भी नमी के कारण भी, इन सब कारणों से डायपर रैसेस बच्चों को हो जाते हैं, जो कि बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं। आइए अब अपन चलते हैं कि आखिर हम कैसे इस डायपर रैशेस को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, डायपर रैश को ठीक करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम बच्चों को डायपर पहना ही ना। लेकिन क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं है। अगर मैं ये माँ सभी माँ से अगर मैं ये बोलूंगा कि आप डायपर पहनाना बंद कर दें, तो वो मेरे वीडियो देखना बंद कर देंगी, क्योंकि वो बोलेंगी सर आप क्या बोल रहे हैं, डायपर के बिना कैसे काम चल पाएगा। लेकिन दोस्तों सच यही है, आप कोशिश करिए, आप पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप कोशिश करिए कि जितना अवॉइड कर सकें उतना अवॉइड करिए। जैसे आप घर पर हैं तो घर पर कोशिश करिए आप डायपर का प्रयोग बिल्कुल ना करें, आप केवल लंगोट ही पहनाएं बच्चों को। आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप डायपर पहनाइए। या आप नहीं घर पर अवॉइड कर सकते हैं तो कम से कम दिन के समय तो अवॉइड कर ही सकते हैं, दिन के समय आप लंगोट पहनाइए, केवल रात के समय बच्चे को डायपर पहनाएं। तो जितना आप डायपर का यूज कम करेंगे उतना ही डायपर रैसेस होने के चांसेस बच्चों को कम होंगे। दूसरी बात दोस्तों, लेकिन यदि आप नहीं मानते हैं, आप कहेंगे कि नहीं सर हमें डायपर चाहिए ही, बच्चों को हमें पहनाना ही है, तो फिर आप अच्छी क्वालिटी का डायपर यूज करें। कई बार दोस्तों क्या होता है कि कोई डायपर किसी को सूट नहीं करता है किसी कंपनी का, तो आप वहां पर कंपनी को चेंज करके देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है, मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि किसी कंपनी के डायपर किसी बच्चे को नहीं सूट किए, तो आप कंपनी को चेंज कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये डायपर अच्छा नहीं था, इस बच्चे को सूट नहीं हो रहा था, हमने इसको चेंज किया तो उससे डायपर रैशेस ठीक हो गए। तीसरी चीज दोस्तों, आप एक हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी बच्चा सूसू या पोटी कर लेता है तो आप जब डायपर निकालते हैं तो निकालने के बाद में अपने हाथों को अच्छे से साफ करने के बाद में फिर उस जगह को पूरा क्लीन कीजिए जहां बच्चे ने पोटी या सूसू करी है, या एक सूखे कपड़े से क्लीन कीजिए। अच्छे से क्लीन करने के बाद आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि तुरंत आप बच्चे को डायपर ना पहनाएं, बिल्कुल ना पहनाएं। कुछ देर के लिए आप उस जगह को ऐसा ही खुला रहने दें जिससे वहां पर हवा लगेगी और उस जगह में सूखापन आएगा, ड्राइनेस आएगी, उस जगह को खुला रहने दीजिए। थोड़ी देर जब वो अच्छे से सूख जाए उसके बाद आप डायपर रैश की जो क्रीम आती है वो क्रीम का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपके पास क्रीम नहीं है कोई बात नहीं, आप कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं, नारियल का तेल अपने हाथों में लेकर अच्छे से उस जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद 10-15 मिनट के बाद आप दोबारा से डायपर या लंगोट जो भी पहनाना चाहते हैं वो पहनाइए। दोस्तों लास्ट में सबसे पते की बात तो यह है कि आप जितना क्लीन बच्चे को रखेंगे, उस जगह को जितना क्लीन रखेंगे, जितनी साफ सफाई रखेंगे, डायपर रैशेस उतना ही होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि क्लीन रखिए उस जगह को, साफ सफाई रखिए, तो डायपर रैशेस होने के चांसेस नहीं होंगे। जय आयुर्वेद।